अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स जी। तो आज हम घरेलू अज्जा से एक बहुत ही अच्छा मास्क बनाएंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जी। तो हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चावलों का आटा 3 चम्मच, और उसके बाद हमें चाहिए संदल का पाउडर, और उसके बाद मुल्तानी मिट्टी है ये, और ये है जी हुस्ने यूसुफ, जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये हमने जो है वो 7 कप जो है वो सॉरी 7-8 चम्मच जो है ये भड़ के बेसन के लिए हैं। और चलें जी, अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बाउल के अंदर। और ये हमने खुश्क पाउडर अपने पास रखना है, ये फुल बॉडी स्क्रब है, और इंशाल्लाह इससे आपको फुल बॉडी जो है वो वाइटनिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। मुल्तानी मिट्टी और जो मुल्तानी मिट्टी और बेसन की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है, उसने यूसुफ के 4 चम्मच और साथ ही संदल पाउडर के भी 4 चम्मच रखने हैं। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच जो है वो आटा, चावलों का आटा जो है वो ग्राइंड करके लेना है। और ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है बेसन, जो कि आपको पता है स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन को नरम और मुलायम करता है और साफ शफाफ एक नई रंगत देता है। ये देखें जी, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बाउल के अंदर। ये अब ऑलमोस्ट सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब जितना हमने यूज़ करना है उतना हम लेंगे और साथ में पानी के अंदर इसको बना लेंगे। अगर हमने इसको सेव करना है तो फिर इसको हमने बनाकर फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। वैसे मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको पाउडर की शक्ल में ही रख लें, जितना यूज़ करना है उतना इसको पानी के अंदर यूज़ करके इस्तेमाल कर लें। अगर आप इसको लिक्विड बनाना चाहते हैं और इसके बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको अर्क गुलाब के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडे दूध के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जब भी लें ठंडा और कच्चा होना चाहिए। इस तरीके से अपनी फुल बॉडी पर जो है वो इसको मसाज करें, 2 से 3 मिनट तक मसाज करें अच्छे तरीके से, फिर इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें, एंड ड्राई होने के बाद इसको आप रिमूव कर लें, तो इंशाल्लाह ताला इस मास्क के आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपको इसको कैसे रिज़ल्ट मिले। मैंने ये बनाकर रख लिया है, इंशाल्लाह मैं इसको पूरा यूज़ करूँगी और मुझे आपके रिव्यूज़ का जो है वह इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।